पिछे पिछे आंदा मेरी चल वेंदा आई चिर वाले आ चिर वाले आ चिर वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंक वाचा निगा मारदा। टाइम हो रहा है 11:15 ऑलमोस्ट और अभी भी देखो मेहंदी के लिए इतना क्रेज है भाई। ये देखो बीवी ऐसी होती है। जितनी भी तारीफ करो वो कम लगती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। दिस चौधरी ललित, कैसे हो सारे के सारे? होप सारे के सारे अच्छे होंगे। इवन आई एम डूइंग फैंटास्टिक गाइस। सो आप लोगों ने स्पीति राइड तो एंजॉय करी होगी गाइस, एंड इवन स्पीति राइड पे बहुत ज्यादा प्यार मिला था और द काइंड ऑफ वर्क दैट वाज डन, सो आई थिंक आई मीन दैट वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। सो थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स हु हैव चेरिश्ड ऑल ऑफ देयर लव। और भाई मतलब वो बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी है कि यार जाओ जाओ और फिर से मतलब ये जो है व्लॉगिंग वाला, मोटो व्लॉगिंग का बहुत अच्छे से इसे स्टार्ट करो और एक कंटिन्यूटी में मतलब इसे कंसिस्टेंट रखो। बट यार होता नहीं है ना कंटिन्यूटी में और कंसिस्टेंसी आ नहीं पाती, क्योंकि मेरा होता है भाई मंडे टू फ्राइडे ऑफिस वर्क होता है और फिर ऑफिस का करते करते भाई इसमें टाइम नहीं मिल पाता। सैटरडे संडे जितना हो पाता है पॉसिबल मैं ट्राई करता हूँ, बट फिर भी कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिलेगा, वेन एवर वी आर विजिटिंग समवेयर, सो विल ट्राई टू गेट दीज काइंड ऑफ वीडियोज फॉर यू। और गाइज ऐसे ही प्यार शॉवर करते रहो, बहुत अच्छा लगता है भाई जैसे जैसे आप कॉमेंट्स करते हो। सो कॉमेंट्स जरूर करते रहो भाई, कॉमेंट्स से पता चलता रहेगा दैट आई नीड टू इम्प्रूव और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग ब्लॉग्स में। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जैसे आप लोग जाते हो बच्चों के साथ जाते हो, कैरी है, लवू है, वाइफ है, तो ये सारे के सारे जाते हो आप लोग, तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मोटो ब्लॉग्स करो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। बट आप लोग जैसे बताते रहोगे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जो जो चीज़ें चाहिए होती है आई ट्राई टू कीप ऑन एडिंग दैम। तो अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं करवा चौथ स्पेशल, वाइफ को लगवानी है मेहंदी, तो देखते हैं भाई कैसा रहता है अभी ये वाला ब्लॉग। सो गाइज अभी हम हैं फ्लाईओवर पे, जगतपुर वाले फ्लाईओवर पे, और अब चलने वाले हैं। इंट्रो कंप्लीट करते के साथ ही यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 52 मिनट्स 24 किलोमीटर। सो प्रोग्राम ये था अपना कि पहले हम लोग सोच रहे थे NSP जाए, NSP पे जो अपना न्यू वाला मॉल खुला हुआ है सिनेपोलिस, सो उस पर चले भाई और चल के मतलब थोड़ा शॉप वॉप करते हैं। बट वहाँ पे क्या है कि अभी इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, बच्चों की ये थोड़ी सी फरमाइश है कि ग्रेटर नोएडा की तरफ चलो या फिर नोएडा की तरफ चलो, क्योंकि वहाँ के मॉल्स थोड़े काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए चलते हैं भाई और देखते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ के मॉल्स मतलब GIP ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर NSP। दिल्ली तो मतलब दिल्ली का तो ये है कि नज़दीक पड़ जाएगा, अभी आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग अगर NSP चलना है तो। बट अगर GIP चलना है, कैरी बताओ जल्दी, पता नहीं GIP नोएडा वेस्ट दिल्ली। चलो जी गाइस फिर GIP ही चलते हैं और देखते हैं भाई वहाँ पे क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको भी दिखाते हैं भाई। सो गाइस करवा चौथ स्पेशल जो मैं बता रहा था वो इसलिए है क्योंकि कल आपको पता ही है करवा चौथ है और बच्चों इन्होंने जो है वाइफ की शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है बट बच्चों की नहीं हुई है, तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है भाई कि बच्चों की शॉपिंग कराने जा रहे हैं फिलहाल जो है, क्योंकि उनकी शॉपिंग नहीं हो रखी, इसकी तो हो रखी है भाई, उनकी तो शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है चांदनी चौक से अच्छा खासा। जितनी भी तारीफ करो वो कम लगती है। ये देखो बीवी ऐसी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे ही चिपकी रहेगी भाई, चाहे खराब हो कुछ भी हो तो भाई ऐसी चिपकी रहेगी 7 जन्मों तक, देख रहे हो ना, खराब होने के बावजूद भी चिपकी हुई है भाई, देख लो। और सामने हस्बैंड चल रहा है उधर टो करके ले जा रहा है देख लो गाइस, मुंह फाड़ के चल रही है। गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गीता कॉलोनी, बट यहाँ पे लग रहा है भाई गंदे वाला ट्रैफिक। तो भाई आप तो निकल गया चांद, कल का पता नहीं ये देखो गाइस अभी तो दिख रहा है भाई चांद, वो निकल रहा भाई अभी सामने, लाल निकल रहा था, रेड मून हो रखा था अभी तो बिल्कुल हो गया भाई एकदम ब्राइट ब्राइट, कल लेट निकलेगा गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग अक्षरधाम और ट्रैफिक भाई लगातार मिल रहा है हमें कंटिन्यूटी में बैक टू बैक। गाइस ये देखो सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है ना चार्ज हो रहे हैं, मेरी वॉच चार्ज हो रही है,
और मैंने एक माइक लिया, माइक भी चार्ज कर रहा हूँ मैं, आज उसे टेस्ट करेंगे अच्छे से भाई। गाइस ये देखो पहुंच गया हम लोग मयूर विहार एक्सटेंशन की तरफ पहुंच चुके हम लोग, और क्राउन प्लाजा की लाइटनिंग क्या जबरदस्त लग रही है भाई, ये वन वाओ बिल्कुल पिंक कर रखा है। और गाइस इस तरह के जो व्लॉग्स है ना वो मतलब शूट करने में मुझे ज्यादा मजा आता है कि गाड़ी में बैठे हो अपने आराम से व्लॉग शूट हो रहा है। और मतलब जब हम लोग वहां गए थे गंगोत्री गए थे भाई, गंगोत्री वाला व्लॉग भी बहुत अमेजिंग प्यार मिला था भाई हमें, बहुत अच्छे खासे लोगों ने कमेंट्स भी करे और क्वेरीज भी आई थी लोगों की, तो बहुत बढ़िया प्यार मिला था उस पर भी। तो इस तरह की जो है ना जो आईफोन पे शूट हो रहे हैं भाई, राधा देन के जो जितने भी गैजेट्स हैं भाई, उसके डीजे एक्शन कैम ड्रोन का है ये सब भाई, दुनियादारी का इतना सारा डेटा हो जाता है भाई, इतना ज्यादा परेशान हुआ था ना मैं, तो कंटिन्यूटी में आने के बाद वहां से फिर ऑफिस का काम कर रहा हूँ भाई, दिन में नाइट में मैं इसको एडिटिंग कर रहा हूँ व्लॉग्स की, तो मतलब ये वाले व्लॉग्स जो है वो ज्यादा इजी लगते हैं मुझे, ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपना जल्दी से करो और आधे घंटे में ही एडिटिंग कंप्लीट हो गई भाई। फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई नोएडा में, एंट्री मारने वाले हैं हम लोग। ये देखो गाइस नोएडा में आपका स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है आपका नोएडा में। गौतम बुद्ध की प्रतिमा कितनी मस्त लग रही है ना भाई, ओए 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 जय हो। और यहाँ पे देखो फाउंटेन्स का जो वर्क करा हुआ ना, मतलब इंफ्रा पे तो अच्छा खासा काम करा हुआ है भाई, एंट्री करते ही पता चल जाता है नोएडा में ना। News 18 की गाड़ी जा रही है भाई, देखो कवर करने जा रहे होंगे सारे के सारे, जहाँ जहाँ मेहंदी लग रही होगी ना सब जगह पहुंच जाएंगे भैया जी कहीं। सो गाइस ये सामने अट्टा मार्केट है, अगर भाई मेहंदी वेहंदी का चक्कर हो तो अट्टा मार्केट में आराम से मिल जाएगा सारा कुछ। ये लेफ्ट वे मार्केट है, फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके उधर से यहाँ पे आया जा सकता है, बट फिलहाल हम लोग चले गए मॉल में एंट्री मारते हैं सबसे पहले। लेफ्ट साइड पे GI भी दिखाई दे रहा है अपना, अब इसकी पार्किंग चलते हैं भाई, पार्किंग में करते हैं गड्डी पार्क। सो गाइस आ चुके हैं GIP की पार्किंग भाई, आज मैंने ना फास्ट टैग लगाया नया वाला पार्क प्लस का, क्योंकि मेरा ICICI वाला बंद हो गया था भाई, तो बड़ी मेहनत लगी भाई इसे, पीछे इसके मिरर के पीछे है न्यू फास्ट टैग, होपफुली वर्क करे भाई। पार्क स्मार्ट की है पार्किंग अपनी भैया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा ना जैसे पार्क प्लस का है अपना, क्योंकि पार्क प्लस में क्या है कि आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि मॉल्स में जा रहे हो ना आप, तो फास्ट टैग जो है वो आपका बढ़िया से काम करेगा, और मतलब कई जगह फास्ट टैग होता है कई जगह पार्क प्लस होता है, तो पार्क प्लस में दोनों चीजें यूटिलाइज हो जाती है। तो नोएडा में तो खासकर जितने भी पार्क प्लस हैं अपने तो वही चलते हैं, तो इसलिए मैंने पार्क प्लस का लिया था। सुबह से देखो मॉल में मार लिया हम लोगों ने एंट्री, ये माइक मैं यूज कर रहा हूँ अभी, देखो हॉलीलैंड का माइक मंगाया था मैंने नॉइस कैंसिलेशन के साथ, सो सराउंडिंग नॉइस जो है वो कुछ भी नहीं आई आप लोगों को। ये देखो लोगों की मस्ती होगी भाई स्टार्ट। वैसे शॉपिंग के लिए हम सोच रहे हैं पहले, ये स्मार्ट बाजार भी है हमारे पास ऑप्शन उनके लिए कुछ देखने के लिए कह रहे हो लोगों के लिए, कोई मेन पर्पज तो ये है भाई, देखो करवा चौथ का ओकेजन तो है बट वाइफ ने तो ऑलरेडी कर चुकी है शॉपिंग और कह रही लोगों की करानी है, तो एक बार चेक कर लेते हैं अभी ऑप्शन क्या क्या है अंदर। तो ये जैकेट बड़ी प्यारी लग रही है मेरे को, अगर तूने ट्राई करनी है तो सर्दियों के लिए अब आगे काम आएगी ना, मस्त लग रही है वैसे लबू। A1 एक बार मम्मा को दिखा दे, कैरी के लिए ज्यादा अच्छी लग रही है, देख लो वैसे अच्छी लग रही है मस्त। इन तीनों के बीच में मैं फंस गया हूँ आज, ये कैरी के लिए सही लग रही है कैरी के लिए भाई, ये वाला कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, लवने ने ये चूज करा है अभी। सो गाइस देख रहे हो कितनी सारी चीजें हो गई है, ये सब हो चुका है भाई फाइनल। बिलिंग के लिए जाना पड़ेगा भाई अंदर की तरफ, दिवाली गिफ्ट से देखो भाई पूरा स्टॉक है भाई दिवाली गिफ्ट के लिए, देखो भाई कितना घूमने के बाद मिले बिलिंग काउंटर से इसके फाइनली, तो दिवाली गिफ्ट मिला भाई इस परचेज के साथ, ये दिवाली गिफ्ट आ गया भाई अपना फेवरेट ब्रांड पीटर इंग्लैंड। सो गाइस शॉपिंग तो हो चुकी है अपनी डन, अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने फूड कोर्ट की तरफ भाई, ऊपर नीचे करके हालत खराब हो गई, जो पार्किंग में सामान रखा है ना शॉपिंग वाला थोड़ा टाइम लग गया बट हालत खराब हो गई। चलो जी आगे चलते हैं, सामने देखो भाई ये। सो गाइस अभी ना वाइफ को मेहंदी भी लगवानी है भाई,
तो यहाँ पे तो मॉल में तो मुश्किल ही लग रहा है, मुझे लगा कोई बैठा होगा बट मॉल में है नहीं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अट्टा मार्केट में जाएंगे जो जस्ट जीआईपी के नेक्स्ट है, फिर वहाँ पे मेहंदी वेहंदी लगवा लेंगे। पर फिलहाल करते हैं पेट पूजा। सामने भाई पूरा का पूरा फूड कोर्ट है ये, चल के ऑर्डर करते हैं भाई, मस्त से खाना वाना खाएंगे। सो गाइस नमस्ते दिल्ली से, नमस्ते दिल्ली से हो गया ऑर्डर। अभी फिलहाल हम जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आए, कोल्ड कॉफ़ी की वेट हो रही है और दो थाली बोली है, दो थाली आने वाली है भाई अभी। सो भूख लग रही है, ये देखो सबका रैपअप होने लग गया भाई, हम ही लोग लेट हैं और अभी हमें मेहंदी लगवाने भी जाना है भाई पड़ोस की मार्केट में। सो गाइस एक थाली तो आ चुकी है अपनी, एक अवेटेड है, बाकी कोल्ड ड्रिंक सबने निपटा दिए, एक कोल्ड कॉफ़ी और आनी है अपनी, मेरी थाली अवेटेड है। बस जल्दी से भाई खाना निपटाते फिर मार्केट चलते हैं हम। सो गाइस खाना पीना हो चुका है डन और पीछे देख ही रहे हो भाई सारा का सारा अंधेरा हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं अब मार्केट की तरफ, अट्टा मार्केट की तरफ। थोड़ा मेहंदी वेहंदी का देख लेते हैं भाई। कैरी को खाने मोमोज, क्या खाने हैं इसको, नो मोमोज। ये देखो सब बंद हो चुका है भाई, इतना लेट है हम लोग। नहीं भैया ये स्कूल बस में ही घूमते हैं थोड़ा सा लेट हो रहा है भैया वरना जरूर करते आज। थैंक यू सो मच वैसे। भाई देखो मॉल सारा खाली हो चुका है, इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिख रही हैं, अपनी गाड़ी ये खड़ी हुई है। अब जल्दी से चलते हैं भाई मार्केट की तरफ। मॉल से मारते हुए हम लोग एक्सिट, अब देख लेते हैं भाई फास्ट टैग ये वाला अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि पार्क प्लस का है अपना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाने चाहिए आई थिंक सो। प्लीज वेट, हो गए, सो दैट मींस दिस इज वर्किंग। तो गाइस इधर की तरफ ना भीड़ कितनी हो रही है भाई, गाड़ियों की इस टाइम भी 11 बज रहे हैं, तो सामने ना मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं, ये देख रहे हो गाइस एक से एक गाड़ी लगी हुई है भाई। और ये एक ग्रुप है, इससे नेक्स्ट ग्रुप अपना है, तो जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें लगवा रहे हैं, मतलब ये वाले 1100 मतलब सरप्राइजिंगली, और वो 250 रुपये। और इधर भी हमने एक जगह चेक किया था वो भी 250 रुपये का था, बट ये पता नहीं क्यों ऐसे 1100 ले रहा भाई। टाइम हो रहा है 11:15 ऑलमोस्ट, और अभी भी देखो मेहंदी के लिए इतना क्रेज है भाई, गाड़ियों की लाइन प्लस मेहंदी वालों की भी लाइन लगी हुई है, अभी तक लगी हुई है भाई। और ये दोनों थक गया भाई, देखो दोनों के दोनों अपने मस्ती मूड में ये लेट चुके हैं, पूरे दिन तक घूम घूम के अभी थक गए हैं ना सबके सब, शॉपिंग करी है अभी हम लोगों ने, इतनी शॉपिंग करी है, इतना खाना वाना खाया है, तो सबके सब थक गए हैं ना, है ना, इतना चल के भी आया है, डाइजेस्ट करा है, डाइजेस्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, लेट लेट डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, काम करा नहीं जा रहा क्योंकि हम पूरे दिन अभी ट्यूशन पढ़ के आए थे, फिर पापा ने बाहर बोल दिया कि बाहर चलो। देख लो मैंने बोला था, मैंने बोला था, दीदी ने बोला था, मेरी ना कैरी जो पीछे लटी हुई है। कितनी मेहनत करते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा, इतनी मेहनत करते हैं कि वैसे वैसे अब की बार लवण्य ने ना स्कोर अच्छा कराया गाइस, अभी कैरी का रिजल्ट जो है ना ये लेटी हुई पीछे, इसका रिजल्ट अवेटेड है, अभी आने वाले कुछ एक दिनों में। ये पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई वाले बच्चे अब सोने वाले हैं 11:15, और मैक्स को देखते हैं भाई, मैक्स होगा घर पे, मैक्स को देखो, ये देख रहे हो गाइस ये बैठा हुआ मैक्स स्कूटी के यहाँ पे वेट कर रहा है, ये हमारी कब आएंगे कब आएंगे। मेहंदी चल रही है, अभी लगेगा टाइम, देखो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं और टाइम देखो भाई अभी भी देख लो टाइम 11:30 होने वाले हैं।